डिपार्टमेंट हैव टूगेदर पुल दिस शो टिल हियर. 500 एपिसोड्स बहुत आसान नहीं होते. हमने बहुत सारे शोज किए, हमारे कितने 500 तक पहुंचे वो मैं ही जानता हूं. एंड वी हैव डन गुड नंबर ऑफ शोज इंडस्ट्री में, मैंने देखा. और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी ये बात मीडिया को जरूर रिकॉर्ड करनी चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कोविड के बाद एक ना आपने देखा होगा तो देयर इज अ शिफ्ट इन एंटरटेनमेंट, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टीवी हो. अगर ओटीटी पे कहीं राइज आया है तो सिनेमा और थिएटर ने एक बहुत ही बड़ा हिट लिया है, क्योंकि लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने का पैटर्न एक बदल गया है. हम वागले को मैं पहले दिन से बोलते आया हूं कि वागले इज अ वेब सीरीज, वो सिर्फ एक टीवी नहीं है, वो वेब की तरह है, और वो दोनों को मर्ज करके एक ऐसा फॉर्मेट बना जो बहुत यूनिक था, रिलेटेबल है. हमने जिस तरह की कहानी इश्यूज किए हैं दे आर एक्चुअली 500 एपिसोड में हमने कम से कम 200 से 300 के बीच में स्टोरीज किए, अलग अलग कहानियां करी है. उससे एक बात बहुत यानी तो सक्सेस 500 में है तो सक्सेसफुल है तो बोल ही सकते हैं, पर इसके साथ ये शो का सबसे बड़ा अगर टेक होम है हमारे लिए तो मैं ये मानता हूं कि हमने बहुत सारी जिंदगियां इंपैक्ट करी, वे इंपैक्टेड लॉट ऑफ लाइफ, बिकॉज द काइंड ऑफ इश्यूज हमने किए थे, जिसके इश्यू बेस्ड जो एपिसोड किए हैं उस पर काफी लोगों के घर पे फैमिली में चर्चा होती है, बदलाव आता है. मैं अगर अपने आप को देखता हूं तो मेरे अपने आप में भी कुछ बदलाव आया कि हाँ मैं अपने आप को देखता हूँ यार ये चीजों से किस तरह वागले की दुनिया में इतनी कहानियां करने के बाद बदलाव आया. तो हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आई है, दैट वी हैव रियली इट इज के बाकी बाहर की दुनिया में देखे जाए तो कितने पेरेंट्स ऐसे थे जब हमने एक मेंस्ट्रुएशन पे बात करी तो वहां पे एक जब हमने बात करी कि एक बहुत बड़ा हमारा इशू वाला बेस था कि गुड टच बैड टच बच्चों को लड़कों को संभाला जाए से लेके 500 इश्यू आज तक अगर बोलने जाऊं तो हमने बहुत अच्छी तरह से इस सोसाइटी में अच्छे से कहानियां पेश करी, जिससे लोगों के घर घर में ये बात करते हैं कि पूरा फैमिली साथ में बैठ के देख सकता है और बच्चों के लिए इम्पैक्ट होता है और अच्छा सीखते हैं. यू अगेन टच मेनी इश्यूज. सो ये जो जर्नी है ना, ये 500 तो बहुत सारे शोज के शायद सेट पे आप लोग गए होंगे, हमने भी एक की बात करके 100 से लेके बहुत काटी, पर वागले मैं हमेशा बोलता हूं इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल शो, इवन फॉर हेड्स ऑफ प्रोडक्शन इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, जहां से इतनी बार इतना. और ये हो सकता है आगे हम जब भी केक काटे या कोई ऐसी बड़ी बात है तो मैं बोलूंगा ही, क्योंकि ये बात यहां से और जो एपिसोड बनाएगी उसमें से वापस ऐसी आएगी. तो उसमें हमारी सबसे बड़ी खुशी 500 की वो है, और हमको इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम बहुत ये चैलेंजिंग भी बहुत ऐसे और एपिसोड्स बनाए और हम सब मिलके बनाए. वी ऑल सेलिब्रेट वी पार्टी एंड वी स्प्रेड मैसेज वी डू सम गुड वर्क. ये हमारी लाइफ का एक सबसे महत्वपूर्ण एक फेज है. मैं देखता हूँ मैंने बहुत सालों से शो में सभी ने काम किया है, सभी लोग आगे हम लोग कहाँ कहाँ से एक जुड़े थे सब शो में, बट फॉर वागले इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल 500. दूसरे कोई भी टीवी शो, ये भी मैं खास करके बोलना चाहूंगा क्योंकि इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ वागले की दुनिया, कि दूसरे शोज में आप देखोगे, जो मैं कई बार बोल भी चुका हूं पर शायद आप लोगों के सामने बात नहीं हुई है, कि एक स्टोरी होती है उसपे 20 एपिसोड बन जाते हैं. आसपास भी हमारे पास कुछ शोज चलते हैं, कोई महीना चल जाता है, पर वागले में आज तक ऐसा रहा है 2-3-4 2-2-3. तो नया फॉर्मेट जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है ऐसा फॉर्मेट है, और हमने इसलिए ये वागले के 500 कोई दूसरी सीरियल के तो 1000 से भी ज्यादा है मेरे लिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ईच वन ऑफ अस कैन रियली रियली ऐसा ये कभी नहीं बोला कि कैन टेक प्राउड एंड प्राइड इन बीइंग एसोसिएटेड विद वागले. टुडे आई एम सेइंग दैट वी आर एक्चुअली रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद द शो कॉल्ड वागले की दुनिया एंड 500.